गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड करते हैं हम। कल चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर सेकंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सूक्ष्म जीवों को बोलते हैं, सूक्ष्म जीव या फिर सूक्ष्म जीवों को, उनके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। वो बोलते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? फ्रेंड। फ्रेंड किसको बोलते हैं? जो हमारे लिए क्या होता है, जो एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बोलेंगे इसको दोस्त जो होते हैं हमारे लिए, ठीक है। और फोर होते हैं एनिमी। को एनिमी क्या होता है? जो दुश्मन होता है। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं, यानी हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ये इस चैप्टर की फर्स्ट डेफिनेशन है और आपने अपनी नोटबुक के अंदर इसको राइट डाउन करनी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो होते क्या हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग इसको बोलते हैं जो जीवित होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो जीव जंतु अराउंड अस, अराउंड अस मतलब जो हमारे आसपास है, अराउंड आसपास, अस हमारे, हमारे आसपास जो जीवित जीव जंतु होते हैं, विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, कैन नॉट नहीं देख, सी मतलब देखना, कैन नॉट सकते कि हम जिनको नॉर्मली नहीं देख सकते। यहाँ पे आगे भी लिख सकते हैं विद नेक आईज, जो हमारी ये आंखें हैं इनको नेक आईज बोलते हैं, अपने इन आंखों से हम इनको देख नहीं सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग इसको बोलते हैं जीवित ऑर्गेनिज्म, जो जीव होते हैं या जो जंतु होते हैं। अराउंड, अराउंड किसको बोलते हैं? जो हमारे आस पास हैं, अस हमारे, जो हमारे आस पास जिंदा रहने वाले जीव जंतु हैं, विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी विद नेक आईज, जो हमारे ही हम इन नंगी आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सूक्ष्म जीव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये इसकी डेफिनेशन है फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आगे जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। सर्वाइव मतलब जीवित रह सकते हैं ऑल काइंड, काइंड किसको बोलते हैं? प्रकार को ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं? हमारे वातावरण को। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जीवित रह सकते हैं हर प्रकार के वातावरण के अंदर। लाइक जैसे कोल्ड स्प्रिंग, कोल्ड किसको बोलते हैं? गर्म को बोलते हैं। स्प्रिंग में झरने मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक गर्म झरने है, वहाँ पे भी वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जीवित रह रहे होते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आइस कोल्ड वाटर मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पे भी वो क्या होते हैं? एडजस्ट हो रहे होते हैं। डेजर्ट किसको बोलते हैं? रेगिस्तान को बोलते हैं कि अगर रेगिस्तान है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर से वही कि गर्मी है, डेजर्ट सोल है मतलब बहुत ज़्यादा जो रेगिस्तान है जो उसकी मिट्टी है, वहाँ पे भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और जो मार्शी लैंड, मार्शी लैंड बोलते हैं जहाँ पे दलदल होती है, मार्शी बोलते हैं दलदल हो कि दलदल जो होती है वहाँ पे भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं? जिंदा होते हैं और सर्वाइव कर रहे होते हैं, जीवित रह रहे होते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आगे क्या होता है? फिर हम ये चीज़ बोल सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर तरह के हैबिटेट, हैबिटेट किसको बोलते हैं? निवास स्थान को, निवास स्थान। ये चीज़ देखिए, आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर तरह के निवास स्थान के अंदर क्या रह सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। और हवा के अंदर, एयर मतलब हवा के अंदर भी वो जीवित रह सकते हैं, वाटर के अंदर भी जीवित रह सकते हैं। एंड इन बॉडीज ऑफ, बॉडीज मतलब शरीर के अंदर, किसके शरीर के अंदर? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स जो हमारे पेड़ पौधे हैं और एनिमल जो प्राणी रहते हैं, उन सभी के जो बॉडीज के अंदर भी वो क्या रह सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लिखनी है अपनी फेयर नोटबुक में। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे आस पास होते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना ही है तो हमें क्या एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। इसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताते हैं कि वो हर तरह की एनवायरनमेंट, हर तरह के वातावरण के अंदर रह सकते हैं।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप के उनको किस किस टाइप के हमने डिवाइड कर रखा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो उनके सब प्रॉपर्टी को देखते हुए उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड कर रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू किस किस के अंदर इनको क्लासिफाइड कर रखा है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जीवाणु को बोलते हैं। नेक्स्ट फंगाई, फिर प्रोटोजोआ, एल्गाई एंड लास्ट है वायरस। ठीक है, इन सब की जो प्रॉपर्टीज को देखते हैं इनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, जैसे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड कर रखा है, जैसे फर्स्ट है बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गाई एंड वायरसेस। अब सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं और किस टाइप के होते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, साइटोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक दोनों ही होते हैं। बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक एंड साइटोट्रॉफिक बोन। मतलब ये ऐसा है ना, ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना फूड होते हैं खुद प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर वो टाइप के आते हैं जो अपना जो फूड होते हैं वो खुद बना सकते हैं। और हेटरोट्रॉफिक में कौन से आते हैं, एट्रोट्रॉफिक के अंदर वो एनिमल्स या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खुद प्रिपेयर ना करके दूसरों से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जो ये बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर दोनों ही टाइप्स आते हैं, ऑटोट्रॉफिक टाइप भी आते हैं, हेटरोट्रॉफिक टाइप भी आते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू, इसको तीन ग्रुप के अंदर या फिर तीन टाइप के अंदर डिवाइड कर रखा है। जैसे फर्स्ट टाइप है इसकी बैसिलस, सेकंड टाइप राउंड शेप, एंड थर्ड इज स्पाइरल। ठीक है, सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया कि इसको कितने के अंदर क्लासिफाई कर रखा है, उनके नाम देंगे जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गाई, वायरसेस। फिर उसके बाद बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा कि जो बैक्टीरिया होते हैं दोनों ही हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। और बैक्टीरिया को हमने तीन ग्रुप के अंदर अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांट रखा है, जैसे फर्स्ट होते हैं बैसिलस, सेकेंड है राउंड शेप, एंड थर्ड इज स्पाइरल। जैसे फर्स्ट में यूज बता देते हैं जो बैसिलस होता है या फिर इसको लैक्टोबैसिलस भी बोल सकते हैं, ये किसके प्रिपेरेशन के अंदर यूज होता है, कर्ड को बनाने, कर्ड किसको बोलते हैं, दही को बनाने के अंदर यूज करते हैं इसको, हम इसको बैसिलस को क्या बोल सकते हैं, लैक्टोबैसिलस वायरस भी बोल सकते हैं। लैक्टोबैसिलस में क्या लिखेंगे, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कर्ड, कर्ड किसको बोलते हैं,
ये कर्ड को बनाने के अंदर क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, अगे नेक्स्ट है बैक्टीरिया के अंदर तीन, पहले इसकी डेफिनेशन में पढ़ लिया कि क्या था बैक्टीरिया, क्या होते दोनों होते हैं ओटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक भी। फिर बैक्टीरिया को हमने डिवाइड कर दिया तीन अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। फिर हमने इनमें से एक ग्रुप के बारे में हमने पढ़ लिया जिसको हमने बोला लैक्टोबैसिलस, और ये बैक्टीरिया क्या होता है दही के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये उस दही को बनाता कैसे, अगर हम मिल्क के अंदर थोड़ा सा भी थोड़ा दही की अमाउंट डाल देते हैं तो वो लैक्टोबैसिलस क्या होता है रात भर में मतलब पूरे उसको दही को कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका यूज़ होता है कि ये दही को बनाने के अंदर क्या होता है यूज़ होता है। बैक्टीरिया के जो आगे टाइप्स हैं उसके यूजेस अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे, तब तक थैंक्स एंड हैव नाइस डे।